कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता, महत्व एवं भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह, व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। मीडिया की आजादी किस हद तक खतरे में है, इसके संकेत पिछले महीनों वैश्विक महामारी कोरोना में देखने को मिले। ऐसे में गलत सूचनाओं से निपटने की आड़ में अधिनायकवादी शासकों ने दमनकारी कानूनी उपायों का सहारा भी लिया। ऑनलाइन जानकारी को नियंत्रित करने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मीडिया पर सरकारें दबाव बना सके। पत्रकार लगातार हिंसा के शिकार हो रहे हैं। तो भारत के नागरिक हैं, इसलिए सवाल पूछना भारत के नागरिक हम भी हैं, है ना? खाओ अपने माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है, बता दो आज भारत के नागरिक हो, खाओ भारत माँ की कसम। अरे फिर वही बात, खाओ भारत की मिट्टी छू कर कसम। पत्रकारिता करते हो आप, भारत की मिट्टी को छू कर कसम खाओ। अरे इस मिट्टी को लो, इस मिट्टी की कसम खाओ। अरे दलालो बरवा कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी सरकार है। अनियंत्रित पत्रकारिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पत्रकारों की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई सोशल मीडिया का प्रयोग कर अपने आप को पत्रकार बता रहा है। कुछ सोशल मीडिया के बने पत्रकार अपने निजी लाभ, जानकारी के अभाव से गलत सूचनाओं का प्रसारण करते हैं, जिससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। उनकी अनियंत्रित कलम बदले की भावना में चलती है, जो समाज में विनाशक के रूप में कार्य करती है। कैसे मेरे पास मैं दिखाता हूँ कैसे तुम सब चंगे हो आज। ये है अपना बंदा, ये सब मेरे को ये देखिए काहे को 3 लाख मांग रहे, 1 लाख मिला केवल। और पता नहीं कैसी आप बात कर रहे हैं। ये पुलिस वाले मीडिया कैसी बात कर रहे हैं। ये मीडिया कर्मी है, बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए मीडिया कर्मी है, ये धौंस दिखा रहे हैं। आज देख रहे कितने लोग सस्पेंड होंगे, आप मजाक समझे मैं कौन हूँ तुम्हें तो पता चलेगा। आज पता चला, दिखाऊं मैं तुम्हें मिस्टर। आप मेरा भाई भी ऐसी किया जो योजना मेरी फोटो ले रहा है, आप क्या समझ रहे। आजादी के समय ऐसे पत्रकारिता पर महात्मा गांधी जी ने सवाल उठाया था। कहा था कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सेवा भाव होना चाहिए। समाचार पत्रों में महान शक्ति होती है, लेकिन जिस तरह जल की एक मुक्त धारा देश के पूरे तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर देती है और फसलों को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार एक अनियंत्रित कलम भी नष्ट करने का कार्य करती है। जो खुद एक पत्रकार और संपादक हैं, उनके विचार पत्रकारिता के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट हैं और उनके अनुसार इसे जल के मुक्त प्रवाह के समान नहीं होना चाहिए। परंतु वर्तमान में सत्य की बागडोर कलयुगी नारद के हाथों में है, जो किसी भी सत्य को दिखाने के नाम पर वसूली करते हैं। इतना ही नहीं, अगर निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो उनकी अनियंत्रित कलम बदले की भावना में चलती है। समाज पर उनकी अनियंत्रित कलम का क्या असर पड़ रहा है, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से अच्छे कलमकारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। शासन प्रशासन भी इन पर नकेल कसने की जिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इस रिपोर्ट को आपके लिए तैयार किया है जहांगीराबाद से राम परवेज जी ने। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास जी हैं, मैं प्रताप सिंह। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए इन स्टार इंडिया। जय हिंद।